आज की रेसिपी स्पेशल उन लोगों के लिए है जो कि आजकल महसूस कर रहे हैं कि उनका दिल बहुत छोटा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर मैंने दिए हैं जी मुर्गी के दिल छोटे छोटे से, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से कट लगा के मैंने अंदर तक वॉश किया है। और वॉश करने के बाद अब मैंने एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है, तकरीबन ये 1/2 kg होंगे, और 1 tablespoon मैंने ऑयल ऐड कर दिया है इसमें। अब जी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ अदरक जो कि मैंने पहले क्रश कर लिया था, 1 tablespoon है ये। और अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड करती जाऊँगी। आप बस देखते रहें और इसी मेथड से इस रेसिपी को बनाइएगा, बहुत ही चटपटे से, मज़ेदार से, स्पाइसी से ये दिल बनेंगे। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब मैंने इसको मिक्स किया है और इसमें ऐड कर दूँगी अब मैं ज़ीरा। तो ज़ीरा मैंने यहाँ पर 1 teaspoon लिया है भरकर, तो ये ऐड कर दूँगी। 1 teaspoon सॉल्ट ऐड कर दूँगी और हल्दी पाउडर यहाँ पर मैं 1/2 teaspoon से कम ही ऐड करूँगी। इन सारी चीज़ों को 1 or 2 minutes के लिए ऐसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी। अब मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करने लगी हूँ, तो आप भी इसी मेथड से इस रेसिपी को लाजमी बना के इंजॉय कीजिएगा। अब मैं इसमें 1/2 कटा हुआ टमाटर और 1 मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको भी बारीक चॉप कर लिया था, ये इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर के मैंने छिलके आज रिमूव नहीं किए थे, ऐसे मैंने बारीक इसको लंबाई में कट किया था और इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करूँगी, तकरीबन ये 1/2 teaspoon है, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, मैं इसलिए यही ऐड करती हूँ। तो 1/2 glass के करीब मैंने जो है इसमें पानी ऐड करके इसको ढककर तकरीबन 15 minutes के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने दिया है। तो 15 minutes हो चुके हैं, 15 minutes के बाद सारी चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। अब मैं इसको हाई फ्लेम पर जो है भून लूँगी। तो इसकी बुनाई मैंने स्टार्ट कर दी है और मुझे तकरीबन यहाँ पे 7 minutes हो चुके हैं। मैं तकरीबन 10 minutes तक मसलसले इसकी बुनाई करती रहूँगी ताकि अच्छे से ये मसालेदार से, मज़ेदार से हमारे ये दिल जो है ये रेडी हो जाएं। अगर आपको आज की ये आसान से और मज़ेदार सी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे अब तकरीबन इसकी बनाई करते 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से ये दिल रेडी हो गए हैं। लास्ट में मैं इसके ऊपर ग्रीन ड्राई कोरिएंडर स्प्रिंकल कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।